हेलो दोस्तों, आज की तारीख है 16 जुलाई। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर रविवार सुबह जानलेवा हमला हुआ है। पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चली। गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। हमले में एक ट्रंप समर्थक मारा गया जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने मौके पर ही हमलावर को मार गिराया। अब शुरुआती जांच में इस 20 वर्षीय हमलावर की पहचान थॉमस मैथ्यू क्रुक के नाम से हुई है। बताया जाता है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसने गणित और विज्ञान के लिए $500 का पुरस्कार भी हासिल किया था। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार थॉमस अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक स्थानीय नर्सिंग होम की रसोई में काम भी करता था। वहीं एक खबर आ रही है पाकिस्तान से। आपको बता दें, पिछले दिनों जेल में बंद इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना मामले में बरी कर दिया था और पाकिस्तान की एक अदालत ने उनकी शादी को अवैध ठहराने के फैसले को भी पलट दिया, जिसके बाद अब शहबाज शरीफ की सरकार ने उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पाकिस्तान में लंबे समय से ऐसे राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने का इतिहास रहा है और अब शहबाज शरीफ की सरकार ने संसद में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली राजनीतिक पार्टी PTI पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वहीं एक बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। बता दें, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी CPN-UML के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। PM नरेंद्र मोदी ने KP शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी। मोदी ने ट्वीट कर लिखा, KP शर्मा ओली को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में आपकी नियुक्ति पर बधाई हो। हम अपने दोनों देशों के बीच मैत्री के गहरे बंधन को और मजबूत करने तथा अपने लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को और बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल शुक्रवार को निचले सदन में विश्वास मत हार गए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। रविवार को एक दुखद घटना में सोमालिया के मोगादिशु में एक चाय की दुकान पर कार बम विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हुए। स्थानीय पुलिस ने बताया है कि यह हमला बोंडेरे जिले में हुआ है, जहां फुटबॉल प्रशंसक यूरोपियाई चैंपियनशिप का फाइनल देखने के लिए एकत्रित हुए थे। पुलिस के बयानों के अनुसार विस्फोटकों से भरे एक वाहन में विस्फोट हुआ, जिससे भीड़ भरी चाय की दुकान के अंदर तबाही मच गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या शुरू में 5 बताई गई थी, लेकिन कुछ गवाहों ने दावा किया है कि स्थानीय समय अनुसार रात लगभग 10:30 बजे हुए इस मामले में 10 से ज्यादा लोगों की जान गई है। सुरक्षा सूत्रों ने बाद में मीडिया को बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। अलकायदा से जुड़े जिहादी समूह अल शबाब ने बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। वहीं एक अध्ययन से पता चला है कि चीन बाकी दुनिया की तुलना में अधिक पवन और सौर ऊर्जा क्षमता का निर्माण कर रहा है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में चीन में 339 गीगावाट क्षमता उत्पन्न की जा रही है, जिसमें 159 गीगावाट पवन और 180 गीगावाट सौर ऊर्जा शामिल है। अमरीकी थिंक टैंक ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ने कहा है कि यह आंकड़ा दूसरे स्थान पर मौजूद अमरीका से भी बहुत अधिक है, जो कुल 40 गीगावाट क्षमता का ही निर्माण कर रहा है। वहीं खबर है कि BSF के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के अंतर्गत उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा चौकी के जवानों ने शनिवार देर रात 10 से 15 अवैध बांग्लादेशियों की एक बड़ी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। अधिकारियों ने रविवार को बताया है कि घुसपैठियों व दलालों ने ड्यूटी पर तैनात BSF जवान पर धारदार हथियार से घातक हमला कर बलपूर्वक घुसपैठ की कोशिश की। इसके बाद जवान ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसके बाद सभी बांग्लादेशी घुसपैठिये वापस भाग खड़े हुए। अगली खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को हुए हमले के बाद से जांच जारी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने घोषणा की है कि FBI डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की जांच घरेलू आतंकवाद के रूप में कर रही है। अमेरिकी अधिकारी कथित तौर पर गोलीबारी के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए संदिग्ध थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के सेल फोन की जाँच कर रहे हैं। FBI ने कहा है कि ऐसी उम्मीद है कि 20 वर्षीय संदिग्ध ने इस मामले को अकेले ही अंजाम दिया। हालांकि वे अभी भी जांच कर रहे हैं कि क्या वो पेंसिल्वेनिया में हुए हमले से उसका कोई साथी भी जुड़ा हुआ था। वहीं सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दैत्याकार अजगर एक छत से दूसरे छत पर जा रहा था। उसके लंबाई और मोटाई देखकर कोई डर जाएगा। बताया जाता है कि वीडियो ऑस्ट्रेलिया के किसी हिस्से का है। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को स्क्वैच वॉच नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे 9,75,000 से ज्यादा लोगों ने फॉलो किया है। वीडियो का कैप्शन लिखा है, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच किसी जगह का वीडियो। ये वो जगह है जहां दुनिया के सबसे बड़े सांप छिपे हुए हैं। एक परिवार के घर का पिछला हिस्सा, जहां छत से होकर एक विशालकाय सांप सामने नजर आता है। इस नज़ारे को देख खौफनाक जंगल की याद आ जाती है। बता दें कि वीडियो को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सांप कम से कम 25 से 30 फीट लंबा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेपाल में हाल ही में हुए भूस्खलन में 2 यात्री बसों के त्रिशूली नदी में बह जाने के बाद लापता करीब 62 यात्रियों में से 11 के शव बरामद किए गए हैं।
अधिकारियों ने सोमवार को बताया है कि शुक्रवार की सुबह नारायण घाट मुगलिंग सड़क खंड पर सिमल ताल के पास भूस्खलन के कारण त्रिशूली नदी में बह गई दो बसों के लापता 62 यात्रियों की तलाश और बचाव अभियान आज भी जारी रहा। बता दें, भारी बारिश के कारण नेपाल में कई जगहों पर भारी भूस्खलन हुआ। बचाव दल को नदी के किनारों पर विभिन्न स्थानों पर शव मिले हैं, जबकि लापता बसों और उनमें सवार लोगों की तलाश जारी है। अगली खबर आ रही है इसराइल से। इसराइल हमास युद्ध के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने कतर पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कतर इसराइल के आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, उन्हें फंडिंग कर रहा है। नेतन्याहू के बेटे याहिर नेतन्याहू रविवार को फ्लोरिडा में एक सम्मेलन में ये बातें बोल रहे थे। याहिर ने दावा किया है कि आतंकियों को फंड देने में कतर दुनिया में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने ये भी कहा, हमारी टॉप लिस्ट में कट्टर दुश्मन ईरान है। यरूशलम पोस्ट के मुताबिक फ्लोरिडा के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें याहिर कह रहे हैं कि आपके पास आतंकवाद का एक और प्रायोजक है, वो है कतर का, क्योंकि ये एक अमीर देश है जिसे अमेरिका में रेड कार्पेट ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। वो ईरान के बाद दुनिया में आतंकवाद को सबसे बड़ा फंडिंग करने वाला देश है। वहीं खबर है कि बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने कहा है कि वो अपने देश के बिग बजट तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए चीन के बजाय भारत पर भरोसा जताएंगी। राजधानी ढाका में मीडिया से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री हसीना ने कहा है कि तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए भारत और चीन दोनों ने अपने अपने ऑफर हमें दिए हैं। चीन ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी रिसर्च कर ली है, जबकि भारत जल्द ही ये रिसर्च करेगा। इसके बाद बांग्लादेश के हित में जो भी फैसला होगा वो हम लेंगे, लेकिन मैं इसमें भारत को ज्यादा वरीयता दूंगी, क्योंकि भारत से ही तीस्ता नदी में पानी आता है। अगर वो हमें वो दे रहे हैं जो हमें चाहिए, तो हम भी उनको वरीयता देंगे। इस बात से हसीना का इशारा इस तरफ था कि अगर भारत ये प्रोजेक्ट करता है तो वह सुनिश्चित करेगा कि नदी में पानी का बहाव बना रहे। हसीना ने कहा है कि ये डिप्लोमेसी है, इसमें छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। वहीं कोपा अमेरिका कप का चैंपियन अर्जेंटीना फिर से बन गया है। फाइनल में उसने कोलंबिया को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराया। इसके साथ ही अर्जेंटीना ने अपने स्टार खिलाड़ी मेसी के आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। दरअसल मेसी मैच के 67वें मिनट में चोटिल होने के कारण मैदान से बाहर चले गए थे, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोते नजर आए। अर्जेंटीना की टीम ने आखिरकार कोलंबिया को हरा कर अपने स्टार खिलाड़ी के आंसुओं की कीमत चुकाई। वहीं ट्रंप पर गोली चलने के बाद अमेरिका का बर्मिंघम शहर भी गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया था। ये घटना बर्मिंघम शहर के एक नाइट क्लब में हुई है। बर्मिंघम पुलिस के मुताबिक इस वारदात में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि अन्य 9 लोग घायल हुए हैं। समुद्र में तैनात चीन के लड़ाकू जहाज और आसमान में उड़ान भरता रूस का घातक हेलीकॉप्टर, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो दोनों मिलकर किसी देश पर हमला करने वाले हों। बताया जाता है कि तस्वीरें चीन के ग्वांडो शहर के झांजियांग प्रांत के एक सैन्य बंदरगाह की है, जहां रूस और चीन के वॉरशिप तैनात हैं। अमेरिका में नाटो देशों की बैठक के बाद रूस और चीन की सेना संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रही है। इसमें दोनों देश अपने लड़ाकू जहाजों के साथ वॉर एक्सरसाइज में लगे हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षा खतरों को संबोधित करने और वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में नौसेना की क्षमता का प्रदर्शन करना है। इसमें मिसाइल रोधी अभ्यास, समुद्री हमले और वायु रक्षा शामिल है। वहीं उत्तर कोरिया में किम जोंग उन की तानाशाही का एक और मंजर सामने आया है। खबर है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार ने 30 नाबालिग छात्रों को सरेआम गोली मरवा दी। इन छात्रों का बस इतना कसूर था कि उन्होंने साउथ कोरिया में बने ड्रामा देखे थे, जिन्हें कोरियन ड्रामा या के ड्रामा भी कहा जाता है। किम जोंग की सरकार अपने देश में दक्षिण कोरियाई ड्रामा और फिल्में देखने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। दक्षिण कोरियाई समाचार आउटलेट चोसुन टीवी और कोरिया जोंगआंग डेली की रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह करीब 30 छात्रों को नाटक देखने का दोष बताते हुए गोली मार दी गई। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इनकी उम्र 19 साल से कम थी। जोंगआंग डेली के मुताबिक घटना पिछले हफ्ते की है। चोसुन टीवी के मुताबिक छात्रों ने पेन ड्राइव में मिले कई साउथ कोरिया के ड्रामा देखे हैं। इन पेन ड्राइव को पिछले महीने ही गुब्बारों के जरिए नॉर्थ कोरिया में भेज दिया गया है। वैसे दोस्तों, अक्सर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को बदनाम करने के लिए किम जोंग की कट्टर तानाशाही की बातें मीडिया में करता है, ताकि नॉर्थ कोरिया को बदनाम किया जा सके, जबकि अक्सर साउथ कोरिया के दावे झूठे साबित होते हैं। बता दें, 8 जुलाई को चीन की सरकारी CCTV ने चीनी J-31B स्टिल्थ फाइटर जेट का एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया था, जिसे राज्य के स्वामित्व वाली शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। वीडियो फोटेज से पता चला है कि 5वीं पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान अपने साइड वेपन बे में 2 मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है, और ये एक ऐसी क्षमता है जो इसे US एयरफोर्स के F-22 और चीन के अपने J-20 लड़ाकू विमान से अलग करती है। इसके अलावा यह फाइटर जेट एक बार में 4 PL-12 मध्यम दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइलों को लेकर भी उड़ान भर सकता है, जो J-20 पर इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों के समान है। बीजिंग के डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह फाइटर जेट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बात करते हुए चीनी डिफेंस एक्सपर्ट्स फू कियान शाओ ने कहा,
कि FC-31 का J-31 में ट्रांसफॉर्मेशन ये दर्शाता है कि इसने सैन्य सेवा के लिए औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा किया है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद दीफ को निशाना बनाकर किए हुए इजरायली हवाई हमले में शनिवार को दक्षिणी गाजा में कम से कम 71 फिलिस्तीनी मारे गए और कई घायल हो गए। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि स्पष्ट नहीं है कि मोहम्मद दीफ मारा गया है या नहीं, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि वो खान यूनिस के पास इजरायल द्वारा नामित मानवीय क्षेत्र में एक इमारत में छिपा हुआ है। सोशल मीडिया एक्स के मालिक एलन मस्क ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पिछले 8 महीनों में 2 बार उनकी हत्या का भी प्रयास हुआ है। हाल ही में अमरीकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा बीते 8 महीने में अचानक ही उन पर 2 बार हमले की कोशिश हुई है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर कहा है कि आने वाला समय खतरनाक है, 2 लोग पहले ही मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं। उन्हें टेक्सास से टेस्ला मुख्यालय से लगभग 20 मिनट की ड्राइव पर बंदूकों के साथ गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दोबारा फिर मिलते हैं देश और दुनिया की खबरों के साथ।